दोस्तों साथियों, ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी की चक्की चलाने के लिए, पेट के लिए क्या क्या जतन नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी दुकान के मालिक हों, किसी मकान के मालिक हों, किसी घर के मालिक हों, किसी शॉप के मालिक हों, तो क्या कहने, ऑनर ऑनर होता है, मालिक मालिक होता है। दोस्तों साथियों, आज हम अपने दोस्त, पक्के दोस्त, सच्चे दोस्त, अच्छे दोस्त, यानी कि दोस्त जो हैदराबाद में हम लोग साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे, खेलते थे, हंसते थे, धूपते थे, आज वो हैदराबाद से अपने गांव, अपने इलाके, अपने शहर, अपने देहात, अपने गांव में आए हुए हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। पहले पढ़ाते थे एक बेहतरीन VIP इंटरनेशनल स्कूल में, जो हैदराबाद का नामी गिरामी, बहुत ही मशहूर मारूफ स्कूल है और उसकी 10 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे शहर हैदराबाद में। लेकिन आज वो मुस्कान फाइबर हाउस में अपनी शॉप खोले हुए हैं, दुकान खोले हुए हैं। कहते हैं कि वाकई मेहनत करने के बाद, जिद्दोजहद करने के बाद आप बहुत कुछ पा सकते हैं, पा लेते हैं। और सच्चाई ये है, सच्चाई यही है कि एक शख्स जो मदरसे में बेहतरीन तरीक़े से इल्म हासिल करता है, बासलाहियत मदरिस बनता है, उसके बाद फिर दसों साल एक इंटरनेशनल स्कूल में हैदराबाद जैसे अहम, बड़े और मेयारी शहर में ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन फिर बैक होता है, वापस होता है कोरोना काल में। कोरोना ने अच्छे अच्छों की, मतलब क्या कह सकते हैं, कोरोना की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ठप हो गई, बिज़नेस ठप हो गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, जामिया भी बंद हो गया। आज हम अपने दोस्त के पास आए हुए हैं, दोस्त ने नई दुकान खोली है, नई शॉप खोली है, तो देखिए जगरा भी प्लास्टिक का मिलने लगा है, क्या कहना है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ख़ास बात यह है कि इनके यहाँ आप जब आएँ तो प्लास्टिक के घरेलू साजो सामान जो आप चाहेंगे, जैसे दिन ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चेयर मिलेगी, कुर्सी जिसको बोल सकते हैं, टेबल मिलेगा, स्टूल मिलेगा, प्लास्टिक आइटम्स जितने भी हैं, फाइबर आइटम, वो आपको मिलेंगे। आप चाहेंगे तो ये इधर से भी जैसे देख सकते हैं कि चाय का कप, किसी को अगर चाय के लिए पेश करना हो, चाय पिलाना हो, तो आप ये भी ले सकते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे डब्बे जो हैं, आप घरेलू साजो सामान, चाहे वो दाल हो, चावल हो, चीनी हो, आटा हो वगैरह रख सकते हैं, घरेलू साजो सामान साफ भी कर सकते हैं। आज हम दोस्त से बात करेंगे, खास बात ये है कि इन्होंने, क्योंकि इनका बड़ा अच्छा लंबा एक्सपीरियंस रहा एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन के बाद अचानक हालात साजगार नहीं होते पूरी दुनिया के, बिजनेस में आते हैं, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, बीच में फ़र्क क्या है, मैं भी इनसे इंशाल्लाह कुछ सामान लूँगा। फ़िलहाल तो आज देखने आया हूँ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कारीन, सामईन, हाजरीन और नाजरीन से कि जब आप सिंधी बख्तियारपुर, रानी हाट या इसके इर्द गिर्द इलाके में रह रहे हों, तो आप नहर, जो समस्तीपुर का नहर फेमस है, वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, मुस्कान फाइबर हाउस से अपनी घरेलू अशिया, टेबल, चेयर, कुर्सी, उसके अलावा जो दीगर अशिया सामान है, जैसे अलमारी, प्लास्टिक की, उसके बाद आप ये साजो सामान, फर्नीचर आइटम के अलावा, या फर्नीचर आइटम भी बहुत सारे, और ख़ास बात यह है कि होम डिलीवरी फ्री है, और अगर आप जहेज का साजो सामान मंगवाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आपके घर पर पहुंचा भी दिया जाएगा। आप बाल्टी चाहें, जग चाहें, मग चाहें, ये सब, स्टूल, टेबल, उसके बाद। तो दोस्तों आज हम अल्लामा तौफीक साहब, वाकई अल्लामा बेहतरीन बासालाना, बहुत अच्छी तकरीर करना जानते हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, इमामत करते हैं, स्कूल भी ला सकते हैं, बिल्कुल, और ज़रूरत पड़ेगी तो मिलाद शरीफ, जलसे वगैरह में बुला सकते हैं। हम बात करते हैं तौफीक साहब, आपका बहुत बहुत हमारे जो यूट्यूब चैनल चलते चलते बाय फुस्टर में स्वागत है। ये बताइए कि आपने काफ़ी अर्से तक, जैसा कि मैं जानता हूँ, कम से कम 10 साल एक इंटरनेशनल स्कूल जो 6 मंजिला काफ़ी वसी, और 10वीं तक आप पढ़ाएँ, आज यहाँ पर एक गांव देहात के इसमें बिज़नेस खोले हुए हैं, तजारत, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप इस लायक समझे कि जो है हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी, हकीकत में देखिए, बाहर की ज़िंदगी कितना भी कुछ हो, बाहर की ज़िंदगी हो, बेशक, हाँ, और लेकिन जी घर वापस लौटना ही है। हाँ जी, और घर वापस लौटने की वो शख्स उम्मीद ना करे जिसके पास बिल्कुल जायदाद वगैरह से जो खाली हो, जैसे कोई उम्मीद नहीं है। हमारा हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि हमारी रिश्तेदारी मालूम है, हमारी जायदाद के बारे में आपको वाकफियत है। जी जी, लेकिन साथ ही साथ हमारा इरादा बना कि जो है कितना भी कुछ हो, कितने बड़े स्कूल में पढ़ाएं, कितने बड़े इसमें पढ़ाएं, जी जी, लेकिन बात यह रहती है कि एक तरह से मुलाजिम की हैसियत होती है, बेशक बेशक, लेकिन यहाँ पर मेरे पास, मुझको कई मामले में, जैसे कोरोना काल में मुझको एक एहसास हुआ कि वक्ती तौर पे जो है मेरा जॉब जो है क्विट, मुझको जॉब से क्विट कर दिया गया, और मैं हालात जो है नासाज हो गया, मैं परेशान हो गया वक्ती, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों साथियों, अचानक
पूरी दुनिया के जो हालात हुए आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। प्राइवेट टीचर, मदरसा का टीचर या प्राइवेट स्कूल मदरसा कुछ भी काम करने वाला अचानक से दुनिया ठप हो जाती है और उसके सामने। लेकिन ये बता दें कि तौफीक साहब बुलंद हिम्मत बुलंद सलाहियत के साथ साथ कुछ कर गुजरने का इनको जज्बा है और ज़मीन जायदाद के तबादले अल्हम्दुलिल्लाह बागात हैं, उसके बाद बहुत सारी ज़मीन जायदाद है जी। तो आपका ये कारोबार ही है, हमारा इरादा बना, कई बार प्लानिंग किए मुख्तलिफ तरीके से हम अपने वकीलों से अपने दोस्तों से कि किस तरह का प्लान किया जाए किस तरह का। तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि कम बजट में और थोड़ा सा सामान के साथ इसका भी किया जाए कि वकील तो अचानक जो है आप पूरे तौर पर लगाकर परेशान ना हो, तो इसीलिए इरादा किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो इरादा किए हैं तो अल्लाह ताला मुझको इरादे में 100% कामयाब किया। यकीनन उम्मीद से ज़्यादा मुझको कामयाबी मिल रही है और मेरा प्लान भी है इंशाल्लाह आगे चलकर कुछ और बड़े पैमाने पर कुछ करने का। लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत रही, आप लोगों की दुआएं साथ रही, जो ज़रूर हम कर गुजरेंगे। लेकिन हम मशवरा देंगे जो इस बिज़नेस में आए हैं अपने दोस्तों को और नाज़रीन को चैनल देखने वालों को खुसूसन कि अपना कर कुछ करने की कोशिश कीजिए, अपना अपना होता है। अगर एक ठेले की भी मालिक हैं आप तो यकीनन मतलब जब मालिक कहलाएंगे सेठ कहलाएंगे, और अगर आप गुलामी कितने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में जैसे मैं खुद एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है और वहाँ पर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, लेकिन लफ्ज़ गुलामी आ ही जाती है कितना भी कुछ। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है और ख़ासतौर से मैं ये बता दूँ कि हिंदुस्तान भर में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा था आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर बिहार बने, तो उसकी ताज़ा मिसाल शानदार जानदार और खुशगवार मिसाल इस मुस्कान फाइबर शॉप में देख सकते हैं। मौलाना तौफीक साहब पहले मौलाना थे, बहसीत 10-20 साल इनका इमामत का तजर्बा है, उसके बाद 10 साल कम से कम इन्होंने इंटरनेशनल VIP स्कूल जो टोली चौकी में है, उसके बाद मल्ले पल्ली में है और दीगर शाहीन बाग में है, चार मीनार में है, शहीदाबाद में, दीगर जगहों पे है और भी कई ब्रांचेज खुलने। और ये भी बता दूं कि उसके स्टूडेंट नासा जो हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट जो अमेरिका में है, जहाँ से आप कहाँ जा सकते हैं आसमान पर चाँद पर, वहाँ तक इनके स्टूडेंट जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे स्कूल में पढ़ाने वाला शख्स खुद से बिजनेस करता है और आत्मनिर्भर बनने की जो मिसाल एक शानदार मिसाल पेश करता है मौलाना तौफीक साहब हैं। हम यही चाहते हैं नाज़रीन हाज़रीन से भी कि इनके शॉप पर आएं और इनके घरेलू अशिया जो है वो भी लें और इनके हक़ में हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं साथ में। साथ ही साथ अगर आप भी कुछ हम जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको मशवरा देना चाहते हैं आप कुछ भी। हाँ यकीनन, मतलब जो मार्केट का जायजा लें, क्योंकि मैं अगरचे इंटरनेशनल स्कूल में था लेकिन आप मेरे घर जहाँ पर मैं घर मेरी रिहाइश थी आप देख चुके थे कि मैं आमतौर से बिजनेस लाइन में ही जुड़ा हुआ था। बेशक आप गौर कर सकते हैं कि वहाँ पर वहाँ के लोग जो है ना मिसाल दूंगा, चूँकि आप जब बखूबी जाते हैं मोबिन भाई ईट वाले बिजनेस वाले, आमिर भाई हमारे फ्रूट वाले थे, यानी जितनी भी बैठक थी वो बैठक हमारे पास ऐसे लोगों की बैठक थी जो बिजनेस में ही है। यकीनन अगर कुछ हट के किया जाए तो जैसे मार्केट से हट के कोई ऐसी चीज़ वहाँ से लाई जाए बाहर से लाने की कोशिश की जाए प्रोवाइड करने के लिए, तो यकीन आप सक्सेस हो सकते हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छी मिसाल दी कि आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ जो मोदी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने या बहुत सारे लोगों ने कि खुद कुछ बनिए या बनाइए, जैसे डिजिटल इंडिया है या उसके बाद बहुत सारा जो ये ITI वगैरह में कि आप अगर कुछ नया करते, मिसाल के तौर पर इस इलाके में सिंधी बख्तियारपुर सहरसा बिहार ही पूरे बल्कि बिहार में कह सकते हैं सीमेंट का ईटा नहीं बनता है, जबकि अगर वहाँ से आप सीख कर आते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसा काम जो यहाँ ना होता हो वहाँ से सीख कर आने के लिए बहुत अच्छी आपने मतलब एक सुझाव दी और नया हम ये चाहेंगे आपसे कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं तो कम से कम आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर पेश करते हैं ताकि कोई भी अगर सुनने वाला देखने वाला आपसे रब्ता करे कि कहाँ पर है शॉप या अगर घर मंगवाना चाहे कोई सामान। जी यकीनन मेरा होम डिलीवरी फ्री है जी इलाके की हद तक। हाँ हाँ, और दूसरी बात है कि जो है अगर मेरा कोई मोबाइल नंबर लेना चाह रहे हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 7989125787। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ 7989125787। अगर कोई भी हजरात रब करना चाहें या अगर तजर्बा लेना चाहें कि मतलब जो है तजारत किस तौर पर करें बिजनेस किस तौर पर करें तो हत्तल मकदूर हम कोशिश करेंगे उसको तजर्बा देने की इंशाअल्लाह। देखिए दोस्तों साथियों, वाकई ये मतलब कह सकते हैं कि बिहार में मौाक़े कम हैं लेकिन बासलाहियत अफराद बहुत ज़्यादा हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ासतौर से गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो हैं उन लोगों को भी कि ऐसे लोगों को जहां पर आपको मिले उन लोगों की पुशअप यानी हिम्मत अफजाई करने के साथ साथ हौसला अफजाई करने के साथ साथ उनकी मदद करें ताकि बिहार हमारा बिहार सबका बिहार
خوب خوب ترقی کر سکے. اور ہم لوگوں کی بھی خواہش یہی ہے کہ بہار کے باہر والے لوگ بہار میں آ کر کام کریں, ان تو مزہ آئے گا ان شاء اللہ. آپ جیسے لوگ رہیں گے تو وہ بھی ان شاء اللہ, یہ بھی دن دور نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہم کو اور آپ کے شکریہ, اور آپ بھائی احمد بھائی کے ساتھ شکریہ کے ساتھ, چھوٹو بھائی کے. پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ پہ, نئی شاپ میں, نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اگر موقع ملے تو یہاں پہ رانی ہاٹ بازار میں مسکان فائبر شاپ میں ضرور آئیں, تشریف لائیں, اور اچھا مال, سستا مال, عمدہ مال اچھے داموں میں خریدیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.